टीम की रोटेशन सीधा स्टालबर का हिल लेके चलिए पहली फाइट स्टार्ट होते हुए इट्स बिटवीन सोल एंड गॉड लाइक ये बहुत बेहतरीन हो सकता है लेकिन वो देखने वाली बात सी गॉड ऐसा लगा था अगला शिकार बनेंगे बट अभी के लिए नहीं ओमेगा आगे जा रहे हैं व्हाट इज हैपनिंग जोनाथन वो अपने क्रॉसर से सिर्फ देख रहे हैं शायद अभी के लिए बट ये डीपीएस है द बिग स्केरी और उसका ही इस्तेमाल किया गया एंड पहला खिलाड़ी खत्म होता हुआ चाहे अभी के लिए टीम सोल खुश थी जी। लेकिन उन्होंने अपने आईजीएल को खोया है जोनाथन ने शॉट्स लिए और उनके शॉट्स गॉब्लिन पे लगे भी है शायद गॉब्लिन को दिक्कत हो बट गॉब्लिन वापस पीछे जाना चाहेंगे क्योंकि उनके लिए कवर आया बट क्या टीम गॉडलाइन यहां से निकल पाएगी जी दूसरा खिलाड़ी डाउन सोल गॉब्लिन इज डाउन और अब नहले पे दहला गॉडलाइन कर रही आगे पुश हेक्टर और अक्षत दो खिलाड़ी सोल ने शुरुआत बहुत ही बेहतरीन तरीके से करी थी इस फाइट की दे हैड द ओपनिंग नॉक लेकिन एक आइसोलेटेड पुश एक प्लेयर को लूज करना और अब गॉब्लिन भी दिक्कत में आ चुके हैं अक्षत और हेक्टर यूटिलिटी की वजह से अपने कॉम्पाउंड्स अबैंडन नहीं कर सकते गॉडलाइक एक 2v4 की सिचुएशन में इस फाइट के ऊपर अब फुल पावर पुश करने वाली है दे नो दे हैव द एडवांटेज हेक्टर नेट्स के साथ अर्ली पुश को डिले करना चाहते हैं लेकिन कितना डिले करेंगे गॉडलाइक के प्लेयर्स को देखिए फैल चुके हैं सामने एंड दे वांट टू क्लोज इन ऑन दीज कॉम्पाउंड्स फ्रॉम एवरी सिंगल डायरेक्शन टू प्लेयर्स अक्षत एंड हेक्टर अक्षत को बोला जाता है क्लच शॉट लेकिन क्या यहां पे मुश्किल होगा बढ़िया क्लच निकाल सकेंगे जी मुश्किल तो होगा लेकिन नामुमकिन नहीं और जब तक मुमकिन है तब तक ये डीबीएस चलेगी क्लोज रेंजेस में क्लोज एरियाज में डीबीएस सही रहती है लेकिन आप देखिए प्रेडेटर्स प्रे पर शिकार करते हुए अक्षत उसे एक शैक में है शायद गॉडलाइक को अंदाजा नहीं अंदेशा नहीं लेकिन तीसरा खिलाड़ी खा चुके हैं वो तीन खिलाड़ी डाउन है डीबीएस प्लेयर्स को लेकर के जाती है बट प्लेजों ने खिलाड़ी को डाउन किया खैर वो बात की बात अब एक जगह पे एक ग्रेनेड और एक ग्रेनेड का प्रहार क्लच गॉड क्लच शॉट को लेकर के जाते हुए एंड इसी के साथ एक टीम का एलिमिनेशन दैट इज टीम सोल